तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरो की स्प्लेंडर प्लस के बारे में। और इस भाई वीडियो में आपको हम सारे कलर और सारे वेरिएंट दिखाने वाले हैं एक एक करके। तो भाई यहाँ पे आपको सारे कलर मिल जाते हैं, वो आप देख ही सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को सबसे पहले इस वाली गाड़ी से। तो ये जो है भाई आपको ऑल ब्लैक मिल जाती है एडिशन के साथ, जिसमें कि आप ग्राफिक को इंस्टॉल कर सकते हैं। और इस पे भाई जो ग्राफिक्स मिलते हैं वो आपको मिल जाते हैं रेड और ग्रे में, बाकी जो बॉडी है वो आपको ऑल ब्लैक में मिल जाएगी। लोगो आपको नहीं मिलता 3D का, बाकी इधर आपको मिल जाएगी ब्रांडिंग स्प्लेंडर प्लस की। और भाई कुछ ग्राफिक्स आपको मिल जाएंगे इधर, और ये वेरियंट रहने वाला है i3S का, बाकी जो है कुछ ग्राफिक्स आपको पीछे मिल जाएंगे। ओवरऑल जो है भाई सभी जो गाड़ियां हैं उनके जो लुक्स हैं वो सेम हैं, सिर्फ आपको ग्राफिक का फ़र्क मिल जाएगा। और ये गाड़ी आपको E20 फ्यूल को सपोर्ट करती हुई मिलने वाली है। बाकी भाई जो गाड़ी का मीटर कंसोल है इस वाले का, वो आपको मिल जाएगा फुली एनालॉग। जो है इस गाड़ी में आपको मिल जाएगी 2 नॉर्मल सिक्की। बाकी भाई स्विचेस काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। और इसका भाई जो वाइजर है वो आप देखो, तो इधर भी आपको मिल जाएगी ब्रांडिंग स्प्लेंडर प्लस की। ग्राफिक्स आपको मिल जाएंगे इधर, चौकोर में हेडलाइट मिल जाएगी। तो ये वाला कलर कवर हो गया। अब आते हैं सेकंड पे। तो ये जो है आपको ऑल ब्लैक के साथ मिल जाता है, जिस पे भाई ग्राफिक्स कंपनी इंस्टॉल करके नहीं देती है, ये शोरूम पर इंस्टॉल होता है। कुछ आपको ग्राफिक्स मिल जाएंगे इधर येल्लो कलर के। और बाइक का जो टैंक है ना भाई, उस पर भी आपको मिल जाएंगे कुछ ऐसे ग्राफिक्स जो कि गाड़ी के लुक को काफ़ी इन्हेंस कर देते हैं। बहुत ही भाई अच्छी आपको मिल जाएगी रोड प्रेजेंस। लोगो जो है वो आप 400 रुपये एक्स्ट्रा देके लोगो लगवा सकते हो दोनों साइड के 3D में। बाकी जो है भाई ग्राफिक्स आपको इधर भी मिल जाएंगे येल्लो कलर के, और इधर भी आपको कुछ ग्राफिक्स मिल जाते हैं। बाकी भाई बाइक के जो इंजन्स हैं ना इन सभी के, वो आपको सेम मिलने वाले हैं। ये जो गाड़ी है ना आपको भाई माइलेज देने वाली है लगभग 65 के आसपास का, स्पीड आपको दे देगी 93 के आसपास का। बाकी जो है भाई ग्राफिक्स आप देख लो। और इसमें जो है कंपनी आपको देती है फ्रंट और रियर दोनों में ही ड्रम ब्रेक, भाई कोई भी डिस्क का ऑप्शन नहीं आता है। बाकी जो है आपको जो टायर मिलेगा वो रहेगा 180/18 का, आगे और पीछे आपको सेम साइज़ के टायर्स मिल जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। तो ये जो है आपको मिलेगी ब्लैक और गोल्ड के साथ, कुछ भाई ऐसे आपको ग्रेफिन लेंगे डॉट में, और भाई कुछ आपको वैसे मिल जाएगी लाइनिंग, कुछ आपको भाई ब्रांडिंग इधर मिल जाएगी स्प्लेंडर की। अब आते हैं मेन ग्राफिक्स पे। तो ये जो है भाई शायद इसका नाम है सनशाइन गोल्ड। तो कुछ आपको ऐसे ग्राफिक्स मिल जाएंगे गोल्ड कलर के इस वाले वेरियंट में। साइड की जो पैनल से भाई वहाँ पर आपको कुछ ग्राफिक्स ऐसे मिलने वाले हैं जो कि आपको डॉट के साथ मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। पीछे जो सीट काउल है ग्राफिक्स आपको इधर भी मिल जाएंगे। टायर की जो प्रोफाइल है वो आपको मिल जाएगी 80/118 की। अब आते हैं नेक्स्ट। तो ये जो है भाई कंपनी ने शुरुआत में लॉन्च किया था, ये बहुत ही पुराना वेरिएंट है, लेकिन हाँ गाड़ी नई है, E20 है, लेकिन ग्राफिक्स भाई जो है ना वो थोड़े पुराने रहने वाले हैं। इसमें जो है भाई पीछे आपको मिल जाएगा सस्पेंशन डुअल, आगे आपको मिलने वाला है सॉकर टेलीस्कोपिक का। बाकी जो है भाई ग्रैब रेल आपको मिल जाएगा लोहे का, और भाई ऑप्शन में जो है ग्रैब रेल अवेलेबल है एल्यूमिनियम का भी। बाकी यार ये ग्राफिक्स आपको मिलेंगे पिंक, वाइट, रेड, जो है इसमें आपको ट्रिपल टोन देखने को मिल जाएगा, जो कि यार ये वाला वेरिएंट भी काफ़ी अच्छा है। इसमें जो है आपको मिल जाता है सिंगल पीस हैंडल बार। अब आते हैं नेक्स्ट 01 एडिशन पे। तो कंपनी ने भाई इसे रिसेंटली लॉन्च किया है, जिसमें कि आपको मैट में मिल जाएगा पेंट स्कीम, 3D में आपको लोगो मिल जाएगा, ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी स्प्लेंडर प्लस की। बाकी जो है भाई इधर आपको मिल जाएगा 01 एडिशन का ब्रांडिंग जो कि ग्राफिक वर्क में है। और इसका भाई जो ग्रैब रेल है वो आपको मिल जाता है एल्यूमिनियम का, जो कि भाई ये ग्रैब रेल आप लोग इस वाले में भी लगा सकते हो, और ये ग्रैब रेल इस वाले में भी लग जाएगा। प्राइस आप लोग शोरूम पर पता कर सकते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट। तो ये है भाई जेट ब्लैक, जिस पे कि आप ये सभी ग्राफिक्स इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी आपको मिल जाएगी जो कि ऑल ब्लैक एडिशन के साथ आती है। तो अब आते हैं टॉप वेरिएंट। तो भाई ये है टॉप वेरिएंट, जिसमें कि आपको मिल जाता है फुली डिजिटल मीटर कंसोल। तो भाई चाबी तो ऑन होगी नहीं, तो इसमें आपको मिल जाती है मोबाइल फ़ोन की कनेक्टिविटी। भाई स्विच आपको मिल जाएगी मोड्स की, मोबाइल जो है भाई आप चार्ज कर सकते हो। बाकी जो है ग्राफिक्स आपको न्यू मिल जाएंगे, साथ ही इधर आपको मिल जाएगी ब्रांडिंग
एक्सटेक की, जो कि आप देख सकते हैं। और इसमें जो है भाई टोटल चार कलर आते हैं, एक आता है ब्लू, एक आता है रेड, और एक आता है ग्रे, और एक और आता है वाइट कलर का। तो भाई ब्लू कलर कुछ आपको ऐसा मिल जाएगा, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। तो भाई ये जो भाई आपको मिल जाएगा रेड कलर के साथ, जो कि भाई कंपनी ने इसे 2-3 महीने पहले लॉन्च किया है। और ये सभी जो कलर्स हैं ना आपको ऑल ग्लॉस में मिलने वाले हैं। ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी एक्सटेक की, जो कि यार इस लुक को काफ़ी अच्छा बना देते हैं। अब आते हैं लास्ट वाला। तो इसमें जो है आपको ग्राफिक्स मिल जाएंगे ग्रे कलर के, बाकी जो है मीटर कंसोल आपको इन सभी में मिलने वाला है फुली डिजिटल। और गाड़ी का भाई जो प्राइस है और जो शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस है वो आपको भाई मैं प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग भाई कॉल वगैरह करके इंक्वायरी कर सकते हैं। तो जो वीडियो है लाइक कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।